हेलो मैम, आपका नाम? मेरा नाम प्रिया है, मैं गुड़गांव से आई हूँ। मैं बचपन से यहाँ पे जो है वो कहीं और नहीं मिल सकता, जो सच्चा रास्ता और भगवान को मिलाने का रास्ता, पिताजी का प्यार, जो रहा सच्ची शिक्षा जो वहाँ मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती। और मैं एक सेकंड भी उनकी शिक्षा नहीं मिल सकती। मैंने बचपन से ही यहाँ पे पढ़ाई करी है, यहाँ के स्कूल में और शासनांश गर्ल्स स्कूल में। और वो हमारे पास पिताजी आया करते थे, हमें इतनी शिक्षा देते थे, हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ सिखाई है कि बेटा रात को ब्रश करके सोना है, मम्मी पापा के पैर छूने हैं, सुबह उठ के सबको नारा लगाना है, सबसे प्यार से बात करनी है, किसी के साथ पूरी तरीके से या ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, कभी चीटिंग नहीं करनी पेपर में, एग्जाम्स में। और आप मेहनत करके और आप भगवान आपके साथ है, आप जरूर लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करोगे। वही हुआ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ पिताजी की, उनकी गाइडेंस की वजह से मेरे को कभी भी कभी अपनी लाइफ में रुकावट नहीं आई। मैंने जैसे ही अपनी ग्रेजुएशन करी, मुझे साथ के साथ मेरे एक बैंक का गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हुआ, मैंने वहाँ ज्वाइन करा, फिर मुझे ऑफिसर रैंक का साथ के साथ आया एक और क्रैक हो गया एग्जाम, फिर मैंने वहाँ ज्वाइनिंग करी, फिर मेरी प्रमोशन हुई, नाउ आई एम अ मैनेजर इन PNB बैंक। और मुझे कभी भी मतलब पीछे वो देखना नहीं पड़ा कि मेरे को कभी अड़चन आ रही है, क्योंकि उनका प्यार, उनका साथ, उनका एक जो एक स्पिरिचुअल पाथ उन्होंने जो दिखाया, मुझे कभी भी उसने रुकने नहीं दिया। और हमेशा मुझे प्रोग्रेस सक्सेस अचीव हुई अपनी लाइफ में, और आई एम वेरी थैंकफुल। और मतलब बहुत इच्छा है कि एक ही इच्छा है और सरकार से एक ही प्रार्थना है कि वो हमारे पिताजी को, संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी को जल्दी से हमारे पास भेज दें। हमारी इसके अलावा सरकार से कुछ प्रार्थना नहीं है। वो जो भी इंसिडेंट थे सब फेक थे, आई डोंट नो मतलब क्या पॉलिटिक्स थी क्या था, पर बहुत गलत था। और एक सच्चे इंसान को ये इट इज़ लाइक हिस्ट्री रिपीट कर रहे हो कि हमने अपनी हिस्ट्री में देखा कि हमेशा सच्चे लोगों को कुछ ना कुछ फेस करना पड़ा अपनी लाइफ में, और हमेशा उनको बाद में मतलब याद करते हैं कि हाँ वो तो अच्छे ढंग के साथ हुआ। देन वाई वी आर रिपीटिंग दिस इन प्रेजेंट, हम वो चीज़ क्यों कर रहे हैं? एक सच्चा इंसान जो करोड़ों लोगों को सच्ची शिक्षा दे सकता है, उनको हम अब क्यों अंदर मतलब लोगों की नज़रों से मतलब हटा के और एक रखा गया है? अगर वो हमारे साथ होते और एक एक दिन में वो इतने लैक्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स को इंस्पायर करते हैं, तो जो इतना गैप हो गया अब, उसकी भरपाई तो सरकार कभी कर नहीं सकती और कोई भी नहीं कर सकता। अगर वो हमारे पास होते और इतना टाइम जो इतना गैप आया है, उनकी एब्सेंस जो एक बॉडी रूप में उनकी एब्सेंस है, उसकी भरपाई कोई कर नहीं सकता। और इतने मतलब लोगों को धक्का लगा है, और शायद कितने लोग सुधर सकते थे अगर ये सब नहीं हुआ होता। तो खुद तो मतलब कोई और इतना अच्छा कुछ कर नहीं सकता लोगों के लिए, और जो कर रहा है उसको भी पीछे खींचते हैं, दैट इज़ सो रॉन्ग। मतलब जो लोग ऐसा कर रहे हैं, शायद भगवान उनको कभी सद्बुद्धि दे और वो रियलाइज करे कि उन्होंने क्या गलत होने दिया और जो नहीं होना चाहिए था। जी मैम, तो आपने बोला कि आप यहाँ के स्कूल में भी पढ़े हुए हैं, आपके गुरु आपके पास आते होंगे, उनका कैसा व्यवहार था आपके साथ, उसके बारे में? वो एक फादर की तरह, गार्जियन की तरह हमें हमेशा रखते थे। हमें जब भी आते थे, जब भी उनके पास वक्त होता था, वो क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल भी रहता है, लेकिन वो सबका इतना ख्याल रखते हैं कि जब भी उनको अपने बच्चे से मिलने जरूर आते थे स्कूल में, कभी भी डे टाइम में कभी भी आते थे और हमसे मिलते थे, हम बैठ के सब लोग उनसे बात करते थे, जो क्वेश्चन होता था वो पूछते थे, वो हर चीज़ का जवाब देते थे। इन्होंने हमें छोटी छोटी चीज़ सिखाई है कि बेटा मतलब लड़कियों को अपनी लाइफ में कैसे करना चाहिए, कैसे अपनी कैसे घर के काम मतलब सबको रोटियां पकाना तक मतलब पिताजी को भी गाइड करते थे कि आपको ऐसे करा बेटा, ऐसे करना, मतलब सब्जी हम कोई भी सब्जी बना सकते हैं, उसकी भी हमें टिप्स देते थे। और लाइफ में कभी भी
अपने करेक्टर पे दाग मत आने देना, हमेशा अपना करेक्टर हाई रखना, और जहाँ भी जाओगे सबको सबको यूँ लगे कि सच में ये बच्चा एक अच्छी जगह से आया है, उनको हमेशा यही हमसे हमें देख के हमसे बात करके यही लगे कि ये बच्चा कितना अच्छा है और कितना सच्चा है और इसको क्या क्या सिखाया गया है, सच में वो हमारे करेक्टर में दिखना चाहिए, हम जहाँ भी जाएँ दुनिया हमसे इंस्पायर हो। तो ऐसे ऐसे मतलब पर्सनैलिटीज क्रिएट हुई इंस्पिरेशन कि हर बच्चा जहाँ भी है वो उनका नाम रोशन कर रहा है और उनकी जो भी सिखाई हुई बातें हैं वो हमेशा अपने साथ पल्लू बांध के रखता है और कभी भी अपने करेक्टर को नहीं गिरने देता और कभी भी अपने माँ बाप को नहीं गिरने देता। तो मैम मीडिया मीडिया में ये भी दिखाया गया था कि गर्ल्स को हॉस्टल में से उस गुफा वगैरह में लेके जाया जाता है जहाँ उनके साथ सही नहीं होता, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्टोरीज जो भी बना लो बट ऐसा कुछ कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। आप उस हॉस्टल में रहे हैं, वहाँ पे गए हैं, आप उसकी क्लियरेंस देंगे क्या? आपने उस वैसा कभी देखा हुआ उसके बारे में? ये सारी फेक बातें हैं, मतलब मुझे सुन के अजीब लगता है कि लोगों ने क्या क्या क्रिएट करा है अपने दिमाग से। जिसका जैसा दिमाग होता है वो ऐसी बातें ही सोच सकता है, तो जिसका दिमाग अच्छा नहीं सोच सकता वो अच्छी बातें भी नहीं कहेगा किसी के बारे में। वही सब है ये फेक सारी चीजें, और ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। जितना गर्ल्स को प्रोटेक्टिव फील होता था ना, वो दुनिया के किसी कोने में हो नहीं सकता। कितना एक लड़की को वहाँ पे प्रोटेक्टेड रखा जाता था या नॉर्मल लाइफ चलती थी, ऐसा ये सब फेक चीजें का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये सब फेक है, मतलब हम सोच भी नहीं सकते इसके ऊपर क्या कमेंट करें। तो जी मैम, तो आप एक बैंक मैनेजर हैं, तो यहाँ लोगों को ये बोला जाता है कि हाँ अनपढ़ लोग आते हैं, इनका माइंड वॉश कर दिया जाता है, ब्रेन वॉश कर रहा है तो यहाँ आते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे हम उनकी इंस्पिरेशन से हम यहाँ तक पहुँचे हैं अपनी लाइफ में। बहुत लोग जो मेरे साथ की गर्ल्स थी, जो आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई SDO रैंक पे है, कोई JEE है, मतलब एट ऑल हाई लेवल्स वो आज हैं, वो अपनी सक्सेस है उनकी। तो हमें उन्होंने हमें हमेशा इतना हाई लेवल पे पहुंचाया, हमें रिप्रेजेंट हम करते हैं उनको। और यहाँ पे तो हर तरह के लोग आते हैं, यहाँ पे कोई बड़ा छोटा नहीं है, और कौन कहता है कि अनएजुकेटेड ही आते हैं। यहाँ पे खुद के उनके स्कूल्स हैं जो वो एजुकेशन देते हैं और सबको इतने हाई लेवल पे पहुँचाते हैं, तो यहाँ पे अनएजुकेटेड वाली बात नहीं है। यहाँ पे सब आते हैं, इवन हाई टू हाई रैंक्स सब आते हैं, सबने देखा भी होगा और सब उनको मानते हैं। यहाँ पे कोई ये नहीं है कि एजुकेशन की वजह से लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है चीजों की, ऐसा बिल्कुल 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 फेक है। जिसको ऐसा डाउट है वो आके देख सकते हैं। मैम आप सरकार से क्या अपील करना चाहिए? मेरी एक ही अपील है कि जो गलत हो रहा है उसके बिल्कुल आप अपने एज एन ह्यूमन बींग भी आप अपनी एक गलत मतलब चीज़ होने दे रहे हो जो नहीं होनी चाहिए। और एक रिक्वेस्ट है कि पॉलिटिक्स की वजह से या किसकी वजह से उनको ऐसा फंसाया गया है, ये नहीं होना चाहिए। और जितनी जल्दी हो सके वो ये चीज़ें ख़त्म करें और हमारे संत गुरमित राम रहीम सिंह जी को हमारे पास वापस भेजें, क्योंकि जो उन पर एलिगेशन लगे हैं सब फेक हैं। और कोई गलत लोगों की गलत स्टोरियों की वजह से अगर सराखों के पीछे है तो वो गलत, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये चीज़ हमें हमेशा डर पाती है कि एक हम अपने आप के सामने क्या होता हुआ देख रहे हैं और हम इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये गलत है। हमारी प्रार्थना है कि जिसके बस में ये चीज़ें हैं वो ये ना होने दें और एक अच्छे ह्यूमन बींग का प्रूफ दें कि सच्चाई का साथ, सच्चाई को देखें आंखें खोल के, तो उन्हें सब नजर आएगा। तो वो हमारे गुरमित राम रहीम सिंह जी को हमारे पास वापस भेज दें, यही प्रार्थना है। तो आप खुद सुन रहे थे एक मैनेजर की जुबानी कि उनके साथ यहाँ क्या होता है। वो यहाँ गर्ल्स स्कूल में पढ़ी है, वहाँ रही है, तो आप खुद सोचें कि क्या सच्चाई है और क्या आपके सामने पेश किया जा रहा है। जरा इसको सोचें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। धन्यवाद।